हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें इसके पहले लेक्चर हमने सेक्शन 16 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 17। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेक्शन 17 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स मीन्स कुछ ऐसे पेमेंट जिसके बारे में इस कायदे में, इस कानून में रोक लगाई गई है। यही बात जो है वो सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में दी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड, सेक्शन 17 में 3 सबसेक्शन है। जो पहला सबसेक्शन, उसमें क्या दिया गया है कि नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाई दिस सेक्शन। तो क्या दिया गया इसमें कि नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट। कोई भी व्यक्ति कोई भी धनराशि ना तो लेगा, ना तो कोई धनराशि लेने के लिए करार करेगा। और आगे क्या दिया गया है कि और अदर रिवॉर्ड्स, और कोई दूसरा इनाम भी। क्या क्या दिया गया है कि इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन, मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी दत्तक के प्रतिफल में, किसी दत्तक के बदले में ना तो किसी व्यक्ति से कोई धनराशि लेगा, ना तो कोई धनराशि लेने का कोई करार करेगा, और ना ही कोई दूसरा इनाम लेगा। कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को दत्तक लेने देने के लिए ना तो किसी व्यक्ति से कोई पेमेंट लेगा, ना तो कोई पेमेंट लेने का कोई एग्रीमेंट करेगा, कोई करार करेगा, ना ही कोई दूसरा इनाम लेगा। और आगे क्या दिया गया है कि एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाई दिस सेक्शन। और ना ही कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई धनराशि देगा, या फिर ऐसी कोई धनराशि देने के लिए कोई करार करेगा, या फिर कोई दूसरा इनाम देगा या फिर देने के लिए करार करेगा, जो कि इस सेक्शन द्वारा प्रतिबद्धित किया गया है, इस सेक्शन द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। तो सेक्शन 17 के सब सेक्शन में यह दिया गया है कि दत्तक लेने या देने के लिए कोई भी व्यक्ति ना तो किसी से कोई पेमेंट लेगा, ना फिर ना तो कोई पेमेंट लेने के लिए कोई एग्रीमेंट करेगा, ना तो कोई धनराशि लेगा, और ना तो कोई धनराशि लेने के लिए करार करेगा, और ना ही कोई दूसरा इनाम लेगा, और ना ही कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को दत्तक लेने या देने के लिए कोई पेमेंट, कोई धनराशि देगा, या फिर कोई दूसरा इनाम देगा, या फिर कोई धनराशि या कोई इनाम देने का करार करेगा, एग्रीमेंट करेगा, जो कि इस सेक्शन के द्वारा प्रतिबद्धित किया गया है, जो कि इस सेक्शन के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। मेन सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 के अनुसार दत्तक लेने या देने के लिए कोई भी प्रतिफल, कोई भी कंसिडरेशन देने या लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए कोई कंसिडरेशन दे रहा है, कोई प्रतिफल दे रहा है, ले रहा है, वो जो है इस सेक्शन के अनुसार वो जो है गुनाह है। इस सेक्शन द्वारा उसको प्रोहिबिट किया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो गुनाह माना जाएगा। फ्रेंड, सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 में भी यही बातें दी गई है कि दत्तक लेने और देने के लिए कोई कंसिडरेशन लेना गलत है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 में जो बातें दी गई है उसका उल्लंघन करता है तो उसे कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकती है, और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए कोई प्रतिफल लेता है या कोई प्रतिफल देता है तो वो जो है सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 के अनुसार दंडित किया जाएगा, जिसमें उसे कारावास भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है, या फिर कारावास और फाइन दोनों हो सकती है। जो कारावास है वो 6 महीने तक की हो सकती है, मीन्स कोर्ट जो है उसे 1 दिन से लेके 6 महीने तक की कारावास दे सकता है, या फिर उसे फाइन से दंडित कर सकता है, या फिर कारावास और फाइन दोनों की सजा दे सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो फ्रेंड, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो सेक्शन 1 में बातें दी गई है उसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए कोई प्रतिफल ले रहा है, कोई कंसिडरेशन ले रहा है, कुछ पैसा ले रहा है, या फिर कुछ पैसा दे रहा है किसी को, तो उसे जो है
दंडित किया जा सकता है, उसे सजा हो सकती है जो कि 6 महीने तक की हो सकती है, अथवा कोर्ट उसे फाइन भरने के लिए बोल सकता है या फिर कोर्ट उसे कारावास और फाइन दोनों की सजा दे सकता है। ऐसा सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। लेकिन सबसेक्शन 3 में क्या दिया गया है कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स भले ही सबसेक्शन 2 में सजा की बात की गई है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा, कोई भी केस दाखिल नहीं होगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन न ली जाए, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन न लिया गया हो, जब तक कि राज्य सरकार से अनुमति न ली गई हो। मीन्स अगर सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 के तहत किसी के ऊपर केस दाखिल करना है तो उससे पहले सेक्शन 17 के सब सेक्शन 3 के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर केस दाखिल करना चाहता है उसे राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आय का दिया गया है कि और एन ऑफिसर ऑथोराइज बाई दी स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर ऐसे किसी ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे किसी ऑफिसर से सेंक्शन लेना पड़ेगा जो इस काम के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। या तो वह व्यक्ति राज्य सरकार से सेंक्शन ले, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से सेंक्शन ले जो राज्य सरकार द्वारा इस बात के लिए नियुक्त किया गया हो, और सेंक्शन लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद ही वह ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर केस दाखिल कर सकता है जिसने दत्तक लेने या देने के लिए पैसे लिए थे, या फिर जिसने दत्तक लेने या देने के लिए किसी को पैसे दिए थे, या फिर कुछ कोई और गिफ्ट दिया था। तो एक तरफ सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, उसके ऊपर केस दाखिल हो सकता है, उससे सजा हो सकती है। लेकिन वहीं पे सेक्शन 3 में ऐसा दिया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको केस दाखिल करना है तो केस दाखिल करने से पहले आपको राज्य सरकार से सेंक्शन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर राज्य सरकार के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किए गए किसी ऑफिसर से सेंक्शन लेना पड़ेगा। सेंक्शन लेने के बाद ही आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो दत्तक लेने या देने के लिए पैसा लिया है, या फिर जो दत्तक लेने या देने के लिए पैसा दिया है किसी को, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो। बिना स्टेट गवर्नमेंट के सेंक्शन के आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई आपको कार्रवाई करनी है तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए किसी ऑफिसर के द्वारा आपको सेंक्शन लेना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ही आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो दत्तक लेने या देने के लिए पैसे ले रहा है या दे रहा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, उसके अगर सब केस दाखिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सेक्शन 17 नहीं दिया गया है कि दत्तक लेने या देने के लिए कोई प्रतिफल लेना या फिर देना जो है वो कायदे इस सेक्शन के अनुसार गलत है। अगर कोई व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए कोई प्रतिफल ले रहा है या फिर प्रतिफल किसी को दे रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हो सकती है, और उस कार्रवाई में उस व्यक्ति को सजा हो सकती है जिसमें उसे 6 महीने तक की कारावास हो सकती है, या फिर उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या फिर उसे कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, जो व्यक्ति दत्तक लेने या देने के लिए कोई प्रतिफल ले रहा है कोई फिर प्रतिफल दे रहा है, ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने से पहले आपको राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार से परमिशन लेने के बाद ही, राज्य सरकार से सेंक्शन लेने के बाद ही आप ऐसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकते हो, कोई दाखिल कर सकते हो। यही दिया गया सेक्शन 17 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।